क्यों नहीं होना चाहिए था आखिरकार वही हुआ। और आखिरकार भारत के ही मित्र देश रूस ने भारत को इतना मजबूर कर दिया कि भारत हार ही गया, क्योंकि इस समय रसिया, चाइना और अमेरिका जैसे देशों की वर्ल्ड मीडिया ने भारत को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। और ऐसे में अगर वर्ल्ड मीडिया के दावे सही निकले तो भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और भारत के कई सपनों पर पानी फिर जाएगा। अब आपको इसी वीडियो में बताएंगे आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया कि भारत को हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल इस समय भारत ने अपने एसियो समिट की मेजबानी की है और एसियो समिट की ये मीटिंग वर्चुअली की गई, जिसमें रसिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान जैसे सभी एसियो समिट के मेंबर देशों ने हिस्सा लिया है। और इस मीटिंग के खत्म होने के बाद व्लादिमीर पुतिन जी ने पीएम मोदी जी को थैंक यू बोला और भारत के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत करने को कहा है। अब हैरान करने वाली बात तो यह है कि रूस वैसे तो भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर रहा है, फिर आखिर क्यों उनके पड़ोसी दुश्मनों के सामने ही उसे झुकने को मजबूर कर रहा है। अब आप लोग सबसे पहले अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्ग आर्टिकल देखिए, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों ने रूस को उसके क्रूड ऑयल का पेमेंट करने के लिए चाइना की करेंसी युआन को कंसीडर किया है, यानी कि जो भारत अपनी खुद की करेंसी को ग्लोबली बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रूस के पेंडिंग में पड़े अरबों डॉलर को चीनी युआन के जरिए रूस को पेमेंट कर रहा है। और अचानक से आई इस बड़ी खबर ने सभी को हैरान कर दिया है और इस खबर को पूरी दुनिया भर की मीडिया ने कवर किया है, फिर वो चाहे भारत की हो या फिर दुनिया के किसी भी देश की। अब ऐसे में अगर ये दावे सही निकले तो सच में भारत को एक बड़ा झटका लगेगा और चाइना अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अब आपको बता दें कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और आखिर रूस ने भारत को इतना मजबूर कैसे कर दिया। दरअसल भारत इस समय बड़े पैमाने पर रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और भारत की HPCL और BPCL जैसी बड़ी बड़ी स्टेट कंपनियां रूस से तेल तो खरीद रही हैं, लेकिन रूस को उसके तेल का पेमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तभी से अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर हजारों से भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए हैं और वर्ल्ड बैंक में पड़े रूस के $multi-billion को भी सीज कर दिया है। इसलिए भारत रूस को डॉलर में पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर भारत को डॉलर में पेमेंट नहीं करना तो रुपए में कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये है कि भारत दुनिया के गिने चुने देशों से ही रुपए में ट्रेड करता है। ऐसे में अगर भारत रूस को रुपए में पेमेंट कर भी देता है तो ऐसे में रूस भारत के इतने पैसे का करेगा क्या, क्योंकि भारत अभी इतना बड़ा एक्सपोर्ट हब नहीं बना है कि रूस तेल के बदले भारत से कुछ और खरीद ले, क्योंकि इस समय भारत रूस से बड़े अमाउंट में रशियन क्रूड ऑयल को खरीद रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रशिया चीन से बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि चाइना इस समय एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हब है। इसलिए भारत को मजबूरन रूस को चीन के युआन में पेमेंट करनी पड़ सकती है। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आने वाले समय में भारत रूस को भी उसकी जरूरतों की चीजों को बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर पाएगा।